दो सवाल हैं मेरे। आपने महिलाओं से फीडबैक लिया होगा, प्रधानमंत्री जी भी महिला हितों को लेकर बहुत चिंतित हैं। टिकट वितरण के समय ब्रिजभूषण का टिकट रोक दिया गया है, क्या उसी पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि महिलाओं के प्रति अनुभव अच्छा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, चुनाव सर पर है, दो बड़ी संस्थाएं काम करती हैं, दो बड़ी बॉडीज हैं, एक है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और दूसरी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अध्यक्ष जी बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर, उनकी योग्यता पर हमें पूरा विश्वास है। अगर कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर किसी कारण की वजह से निर्णय लेते हैं, और उनके निर्णयों पर मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, मेरा मंतव्य देना उचित नहीं समझती। दूसरा सवाल, एक तरफ MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि मिल जाती है, वो वही हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत हित किया और शायद उसी का अवार्ड भारत रत्न है। बॉर्डर पर किसान संघर्ष कर रहे हैं, MSP तो मांग रहे हैं आपसे, आपने मैनिफेस्टो में शामिल भी किया है, दे क्यों नहीं देते, प्रताड़ित कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग। गरीब है और महिला है, तो किसान को तो हम अग्राधिकार बहुत दे रहे हैं। और आपने देखा मैंने जो जितनी बातें कही उसमें दो बिंदु किसान से संबंधित थे। जहां तक राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, जो आप जिस बात की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कमेटी का गठन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बहुत परिपक्वता के साथ समीक्षा करके निर्णय ले रही है। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी और आदरणीय पीयूष गोयल जी उस उच्च स्तरीय कमेटी में भागीदार हैं और लगातार किसान संगठनों के साथ बातचीत हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पर, निश्चित तौर पर कुछ दिनों में आप देखेंगे हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान। नहीं, उत्तर घूम के आ रहा है मैडम, मैनिफेस्टो में आपके शामिल है कि हम आपको स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार आपको MSP देंगे, तो हर चीज आप दे रहे हैं तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। टिकट देते समय कैरेक्टर को देखना जरूरी नहीं समझते क्या? इतना बड़े गंभीर सवाल नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना मैं उचित नहीं समझता। क्या ग्राउंड रिपोर्ट देंगे ऐसे में? आपको आप भी बताएंगे, राजनीतिक टेंडर का भी नहीं मिला, अभी 500 रुपए बोले थे, अब 15 लाख वाला तो रह गया। 500 रुपए जातीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए उन्होंने 100 रुपए कम भी कर दिया सिलेंडर के भाव।